सितंबर में महंगाई के मोर्चे पर सरकार को फिर झटका लगा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में सीपीआई यानी खुदरा महंगाई दर 7.41% हो गई है। ये अगस्त में 7% थी। खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 8.6% हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, संकेत इससे साफ है कि शायद अभी तक जो भी उपाय हो रहे थे वो उपाय या तो उन उपायों से महंगाई रुकेगी नहीं, और इसके लिए लगता है कि कुछ और करने की शायद जरूरत होगी सरकार को भी और रिजर्व बैंक को, क्योंकि लगातार ये देखें तो ये 9वां महीना है जब जो 2 से 6% का एक बैंड है महंगाई के लिए, उस बैंड के ऊपर जो है वो महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर बनी हुई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो आम जरूरत की चीजें हैं वो लगभग डबल डिजिट में हैं, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो अनाज हो, या फिर वो सब्जियों का जो भाव है, ये सारी के सारे आम जरूरत की चीजें डबल डिजिट में बनी हुई हैं इतने दिनों से, इतने महीनों से। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, और इसका साफ संकेत है कि जो दिसंबर की पॉलिसी होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, तो उसमें ये जो आंकड़े हैं ये दबाव बढ़ाने वाले ही होंगे। रिजर्व बैंक को कुछ सख्त कदम और उठाने पड़ेंगे महंगाई को काबू में करने के लिए। साथ ही ये जो लगभग 7.5% के आसपास की जो दर आई है खुदरा महंगाई दर की, इसके बाद अब रिजर्व बैंक को सरकार को भी ये लिखित में जो नियम है इस नियम के तहत लिखित में ये समझाना पड़ेगा सरकार को कि महंगाई काबू में क्यों नहीं आ रही है और उसके लिए क्या उपाय और रिजर्व बैंक करना चाहता है। तो एक लिखित किस्म का जवाब जो है रिजर्व बैंक को सरकार को देना पड़ेगा। अगर ये देखें तो जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि महंगाई का दबाव पहले से ही बना हुआ था, और हाल के दिनों में अगर आप देखें तो मॉनसून की वापसी में जो देरी हो रही है यानी बारिश जो हो रही है वो लगातार उन दिनों में हो रही है जब वो फसलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, और खासतौर पर जो धान है या इस तरह की फसलें हैं, कई राज्यों में फसलों की भारी तबाही हुई है, तो ये आगे और भी चिंता पैदा कर सकते हैं। साथ ही कच्चे तेल में जितनी उम्मीद थी कि गिरावट आएगी वो गिरावट नहीं आ रही है, तो एक तो खाद्य महंगाई दर और दूसरा जो ईंधन की महंगाई दर है ये दोनों मिलकर ही काफी बड़ा दबाव बना रहे हैं। और एक और जो चिंता की बात है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो मैन्युफैक्चरिंग को बताता है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग दोनों में ही जो तेज गिरावट के संकेत हैं ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, यानी चौतरफा महंगाई की मार इस वक्त इस बार के त्योहार को भी उसका मजा खट्टा कर सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को विस्तार से बताने के लिए।